भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का आगाज हो गया है। 9 फरवरी को पहले दिन टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह से समेटते हुए 77 रनों पर एक विकेट के साथ पहले दिन का अंत किया। भारतीय टीम में जहां रविंद्र जडेजा ने 5 विकेट अपने नाम किए तो रोहित शर्मा ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया। ऐसा लग रहा है कि टीम इंडिया ने इस सीरीज का आगाज काफ़ी शानदार किया है, लेकिन अब टीम इंडिया को इस सीरीज का अंत भी शानदार करना होगा, क्योंकि ये सीरीज भारत के लिए ICC टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाने के लिए एक बहुत बड़ी चाबी है। लेकिन अगर टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को इस सीरीज में मात दी तो बतौर कप्तान रोहित शर्मा वो इतिहास रचेंगे जो आज तक क्रिकेट जगत में कोई और कप्तान कभी नहीं कर पाया है। आपको बता दें कि रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया T20 और ODI दोनों में नंबर एक के पायदान पर है। टेस्ट सीरीज की बात करें तो अगर भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराया तो इस सीरीज के जीतने के साथ ही रोहित शर्मा क्रिकेट इतिहास के ऐसे पहले कप्तान बन जाएंगे जिनकी कप्तानी में टीम तीनों ही प्रारूपों में नंबर एक के पायदान पर हो। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया ने इस टेस्ट सीरीज का एक भी मैच जीता तो भारत को ICC के नंबर एक पायदान पर आने के लिए 3 मैच जीतने होंगे और सीरीज 3-1 से अपने नाम करनी होगी। यानी कि कहना गलत नहीं होगा कि रोहित शर्मा बतौर कप्तान भी बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर सकते हैं, या यूं कहिए कि इतिहास रच सकते हैं, क्योंकि आज तक ऐसा कोई कप्तान नहीं कर पाया है जो बतौर कप्तान अपनी टीम को तीनों ही प्रारूपों में नंबर एक के पायदान पर लेकर गया हो। रोहित शर्मा की कप्तानी में पहली T20, फिर वनडे और अब शायद टेस्ट क्रिकेट में भी भारतीय टीम नंबर एक की टीम बन सकती है। देखना दिलचस्प रहेगा कि टीम इंडिया इस सीरीज को कितने अंतर से अपने नाम करती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।